हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने इसे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, सही उत्तर का चयन करना। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि मानव शरीर में उर्विका, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, फीमर इंग्लिश वर्ड होता है और उर्विका हिंदी वर्ड है, सबसे लंबी हड्डी है। बिल्कुल सही है कि फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है कि हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही, हैजा जीवाणु के कारण होता है। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि एथलीट फूड रोग विषाणु के कारण होता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि एथलीट फूड कवक के कारण होने वाला एक रोग है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ही सिर्फ सही है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है, हैजा रोग विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इस कैलोरी का सॉरी इस जीवाणु का नाम याद रखिए, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। और एथलीट फूड जो रोग होता है, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के कारण होता है और ये एक प्रकार का संक्रमक रोग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, सेल्मोनेला बेसिलाई, जो कि एक प्रकार का हम यहाँ पे कह सकते हैं जीवाणु होता है और इसी के कारण होता है। नेक्स्ट वन, क्षय रोग यानी कि जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, इसके जाँच के लिए कौन सा यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। जैसे विडाल जो टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है, और यहाँ पे मैटॉक्स का परीक्षण, मैटॉक्स ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि तपेदी के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण यानी कि टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसे ही मैटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं, तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सुमेलित करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो अगर इस तरह के जब भी प्रश्न आपको दिखे, सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट करिए जो आपको याद है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेरी बेरी से क्या होता है, बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन सी का डी के साथ मैच करेंगे, ठीक है। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड से प्रभावी जो अंग होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंतों को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। और फाइलेरिया का संबंध मच्छर से होता है, फाइलेरिया मच्छर के काटने से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पे जो प्लेग होता है ये चूहे से होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिसुओं के काटने से फैलता है, यानी कि चूहे से फैलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, इसी तरह से मैच होगा। अगला क्वेश्चन, इबोला वायरस का नाम लिया गया, इबोला वायरस का जो नाम है वो लिया गया किससे। तो ये एक नदी के नाम से लिया गया, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी यानी कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गांव में की गई थी। तो बस इसे याद रखिए कि इबोला नदी के नाम से इसको लिया गया, इबोला वायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर जिडोवुडिन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है एजिडोथाइमिडिन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि दवा माना गया, अब तक का सबसे कारगर दवा माना गया एड्स विषाणु के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एड्स का जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो एलिजा टेस्ट होता है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी का संबंध हो जाता है मुर्गियों से, ये मुर्गियों में होने वाला एक रोग है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है, जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है और यह एक विषाणुजन्य बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाला एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सी जोड़ी गलत है। फ्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता के पागल कुत्ते काटने से, टेम फॉर्म ये भी आपका सही है सुअर, लेकिन पोलियो यहाँ पे बंदर गलत है, पोलियो बंदर के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पे किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सभी चीज़ों को लिखा गया। फ्लेग जो होता है वो एक संक्रामक रोग है जो कि चूहे द्वारा फैलता है, रेबीज या फिर इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं पागल कुत्ते के काटने से होता है, टेप वर्म या फिर इसको फीता कृमि कहते हैं, सुअर का जो कि ज़्यादातर मांस खाने से ये शरीर में फैलता है, जबकि पोलियो
बंदर से नहीं बल्कि ये होता है आपका पोलियो मेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, एक प्रकार के विषाणु के द्वारा होता है, तथा हम ये कह सकते हैं कि दूषित भोजन और जल द्वारा भी फैलता है। ठीक है, किसे प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र यानी पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार करिए। तीन रोग के नाम यहाँ पे लिखे गए, उपरोक्त कथनों में से किस रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? भारत में उन्मूलन हो चुका है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, तो सही आंसर केवल बी होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में तीन प्रमुख रोगों का जो कि हम कह सकते हैं उन्मूलन हो चुका है, एक आपका चेचक, दूसरा गिनी वर्म और तीसरा यहाँ पे पोलियो। देखिए जो चेचक था, अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। कब? 1977 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त घोषित किया गया। तो यहाँ से दो ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा भी दिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक तो देखिए चेचक मुक्त 77 याद रखिए और 2014 पोलियो मुक्त, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जीवाणुभोजी जिसको इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का विषाणु होता है। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का वायरस ही होता है जिसको नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट वन बनता है कि हींग प्राप्त की जाती है। हींग प्राप्त की जाती है किससे? तो देखिए हींग जो प्राप्त होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ए और बी दोनों सही होगा। इसके बारे में अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे देखिए तने और जड़ से होता है, तने से स्राव, तने के स्राव से जड़ों के निष्कर्षण से। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िए क्या लिखा गया है कि हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम यानी एक प्रकार का जो तना होता है राइजोम तथा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रथम उत्तर माला में विकल्प बी को सही माना गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। और यहाँ पे जो डिटेल आप देख रहे हैं डिटेल के अकॉर्डिंग भी कहा जा रहा है कि राइजोम यानी एक प्रकार का तना और तथा जड़ों से प्राप्त किया जाता है, दोनों जगह से प्राप्त किया जाता है। तो जो भी ऑप्शंस में हो आप उन्हें टिक करेंगे। अगला सवाल है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाइनस जियार्डियाना चिलगोजा पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है और ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत जिसको एक और नाम से जानता है जेट्रोफा। ठीक है, रतनजोत या फिर जेट्रोफा हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या क्या, बायोडीजल बनाने में रतनजोत या फिर जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। और बाकी आप इसमें और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं पढ़ सकते हैं बस, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया वो अधिकतर यही पूछा जाता है जेट्रोफा या फिर रतनजोत करके। अगला सवाल, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाली हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी इथिलीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कुल कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो टोटल 18 यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि सही कथन चुनिए। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे सही होगा। तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है, आवृत्ति किसका अधिक होता है, दूरी या फिर ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तरंग दैर्ध्य जो होता है वो दूरी हम कह सकते हैं,
दूरी, और अगर ऊर्जा की बात करते तो वहां पे हम आवृत्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि अगर सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वहाँ पे सात रंगों में विभक्त होता है, और जब ये सात रंगों में विभक्त होता है तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो कौन होता है, बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है, और सबसे कम लाल कलर यानी कि रेड। तो रेड जो सबसे कम विचलित होने की वजह से उसका जो तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है बाकी रंगों की तुलना में, और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी प्रकाश का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक जो लाइन लिखा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो जो आवृत्ति होगा वो कम होगा, और अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, तो ये दोनों आपस में एक उल्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो भी बराबर होता है वो एन लेमडा होता है, क्योंकि ये अगर ये बढ़ता है तो ये आपका घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये फिर घटेगा, तो ये आपको बस याद रखना है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एक मादा हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रॉन सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी एस्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया कि एस्ट्रॉन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुलिंग हार्मोन है, पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंड्रोएस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोएस्टेरोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये तो आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पे समझ लिया कि कौन पुरुष हार्मोन और कौन स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होती है वो सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये जो कार्य होता है वो किसका होता है, तो अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, ये तो पता ही आपको कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अब आपको पता चल गया कि कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन ही नियंत्रित करता है, अन्य तीन विकल्पों में मानव गुर्दे का सामान्य कार्य था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अल्कोहल के निराविषण के लिए निम्नलिखित मानव अंग में कौन उत्तरदायी है? अल्कोहल के निराविषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों के कौन उत्तरदायी है? ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, यकृत, यकृत बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, यानी सफ़ेद रक्त कण जिसको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज तैयार होता है? लिम्फोसाइट्स। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होता है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, और आने वाले एग्जाम्स के लिए बाकी के वीडियो को ज़रूर फॉलो करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।